उड़ीसा में कांग्रेस की एक और प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उड़ीसा की पुरी पर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहती ने आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया। इससे पहले इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने भी नामांकन के बाद अपना नाम वापस ले लिया था। वहीं सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। सुचारिता मोहती ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी का टिकट लौटा दिया और दावा किया कि उन्हें पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है। सुचारिता मोहती ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को ईमेल भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो सांसद का टिकट लौटा रही हैं। कुछ निजी संस्थाओं के अनुसार सुचारिता मोहती ने लिखा कि पूरी लोकसभा सीट पर हमारा चुनाव प्रचार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, क्योंकि पार्टी ने मुझे चुनाव के लिए फंडिंग देने से इनकार कर दिया। उड़ीसा कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार ने मुझे खुद ही चुनाव प्रचार का खर्चा उठाने को कहा। सुचारिता पेशे से पत्रकार हैं। उनके पिता ब्रजमोहन मोहती विधानसभा अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री रहे हैं। उन्हें इंदिरा गांधी के खास लोगों में गिना जाता था। सुचारिता मोहती ने लिखा कि वो एक नौकरी पेशा पत्रकार रहीं जो 10 साल पहले ही राजनीति में सक्रिय हुई। मैंने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी और चुनाव प्रचार के लिए लोगों से भी दान लेने की कोशिश की, लेकिन उससे भी सफलता नहीं मिली। मैंने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से भी अपील की है कि वो पार्टी फंड से ज़रूरी फंडिंग करे ताकि पूरी लोकसभा सीट पर प्रभावशाली प्रचार किया जा सके। मोहती ने लिखा, सिर्फ फंड की कमी ही हमें पूरी लोकसभा सीट से जीतने से रोक सकती है, क्योंकि मैं अपने दम पर चुनाव प्रचार जारी रखने में सक्षम नहीं हूँ। मोहती ने पार्टी टिकट लौटाते हुए कहा कि वो एक कांग्रेस महिला हैं और कांग्रेस के मूल्य उनके DNA में हैं। मोहती ने लिखा, मैं आगे भी कांग्रेस के सिपाही रहूंगी। कांग्रेस का टिकट लौटाने पर सुचारिता मोहती ने कहा कि मैंने पार्टी का टिकट इसलिए लौटाया क्योंकि पार्टी मुझे फंड देने में सक्षम नहीं है। साथ ही दूसरा कारण ये है कि पूरी लोकसभा की 7 विधानसभा सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया है, कुछ कमज़ोर उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। ऐसे में ये चुनाव नहीं लड़ सकती।